मैं नहीं मानता, राव ऐसा नहीं कर सकता। जरूर कोई साजिश है, गड़बड़ है। बाबूजी ये सच है, उसने दुगुना पगार मांगा और हमने मना कर दिया। और उन्होंने कहा नहीं मिला तो नौकरी छोड़ दूंगा। हमने कहा छोड़ दो। हाँ बाबूजी, हम लोग क्यों बेकार में बहस कर रहे हैं जबकि पुलिस ने खुद कहा है कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इधर की पुलिस तो मुजरा भी करेगी भैया अगर पैसा मिला तो। कौन नचाया कैसा नचाया, एक दिन तो ये सब खुलेगा भैया। उसने ऐसा क्यों कहा? कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना है। चल ये ए, सुनो। ये मुसीबत तो पुल गिरने से भी बड़ी हो गई है। अभी बुला लो। जी। और सुनो। जी। उसकी जरा अच्छी तरह से ले लेना वो तलाशी। हाँ? ओके सर। आजकल वो ह्यूमन बॉम्ब इधर उधर घूमते रहते हैं तो यू नो टेंशन है। जा गया। आप लोग अंदर बैठिए। कहो। पुल को बम से नहीं उड़ाया गया है और कॉन्ट्रैक्टर के ड्राइवर ने आत्महत्या नहीं की है, उसे फंसाया गया। वो सब जांच के लिए जांच समितियां बनाई गई सरकार द्वारा, जो करना चाहिए वो लोग करेंगे। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। जिस बस में लोग मरे हैं उसमें मेरी पत्नी और मेरा बच्चा था। अब परिवार कहने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। देखो इस बात का मुझे भी दुख है, लेकिन उस हादसे में जो लोग मरे हैं उनके परिवार वालों के लिए सरकार मुआवजा देगी। मुझे वो भीख नहीं चाहिए। मैं उसके लिए यहां पर नहीं आया हूं। दोषियों को बचाकर सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें सजा दीजिए। मैं यही कहने के लिए आया हूं। बेटा अगर तुम अपना काम जल्दी खत्म करोगे तो तुम्हारे बाबूजी के लिए कुछ पका सकती। बस हो गया 5 मिनट। ला मुझे दे। ना जाने किसके रिश्तेदार के लिए ये महफिल सच रही है। माँ वो मेरे पति और बड़े भैया को ब्रिज केस में बचाने आए हैं। लेकिन भाई वो पुल का अगर डिटेल में एग्जामिनेशन हो गया तो हम लोगों को तो लग गए ना। कोई टेंशन नहीं है उसकी। अरे जो भी ऑफिसर आएगा किसकी सुनेगा, अपनी वही लिखेगा जो हम बोलेंगे। अंजलि इधर आ। इधर आ भाई। मेरे साली है ऐसे पढ़ाई में कच्ची है, वैसे बहुत पक्की है। ये साल उसका एडमिशन कर रहा था ना पेड़ में। पीएड टीचर की होती है ना पढ़ाई उसमें। नाम क्या है तुम्हारा? बोलना। सुना नहीं, अभी तो इन्होंने बोला था। ए ए बर्फ डाल जा, बर्फ डाल जा। अरे मेहमानों के साथ कैसे पेश आते तुझे मालूम नहीं है? जा बर्फ लग गया। रखो उधर रखो और अंदर जा। जाओ अंदर। हमने बुलाया उसे, उसने अभी तक शराब पीना शुरू नहीं किया है। अपने यार दोस्तों को मौज मस्ती करवाने के लिए घर की औरतों को मत घसीटा करो अंदर। तो बैठ जाओ, दोस्तों के सामने लुड़का दूंगा। बैठ बैठ बस बैठ।